एक बहुत संवेदनशील विषय आप सभी के सामने उठा रहा हूं। श्रीमंदिर रत्नभंडार प्रसंग में प्रधानमंत्री उद्वेग, नवीन सरकार उपरे मोदी घन घन आक्रमण, श्रीजगन्नाथ अमूल्य संपत्ति भी संभाली पारानी बीजेडी सरकार। इतना बड़ा अमूल्य खजाना जो भगवान जगन्नाथ के ताबे में है, आप उसको भी संभाल नहीं पाए, चाबी खो दई। कहीं 45 वर्ष हला खोला जाए ना ही रत्न भंडार। आधिकारिक रूप से श्री रत्न भंडार पिछले करीब 40 साल से खुला नहीं है। रत्न भंडार चाबी हजिबा सांघातिक, आहुरी सांघातिक डुप्लीकेट चाबी। चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। डुप्लीकेट चाबी रे रत्न भंडार रु चोरी होई कि मूल्यवान रत्न, कहीं तदंत कमिशन का रिपोर्ट करा जाऊ नहीं सार्वजनिक। आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? कहा पाप लुचाइबा को चेष्टा करुची नवीन सरकार। आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी भावावेग सह जड़ित प्रसंग श्रीमंदिर रत्न भंडार, जहां को नहीं वर्ष वर्ष धरी खेल खेली चली बीजेडी सरकार। उद्वेग प्रकाश करिसंती प्रधानमंत्री, कंधमाल रे नवीन सरकार को टार्गेट करी प्रश्न करिसंती, काहें कि 4 दशंधि अधिक समय हला खोला जाऊ नाही रत्न भंडार। श्री रत्न भंडार में रखे कीमती सामानों की एक सूची तैयार की गई थी। इस रत्न भंडार का आखिरी बार मूल्यांकन करीब 45 साल पहले किया गया था। श्री जगन्नाथ का मूल्य संपत्ति को भी संभाली पारानी बीजेडी सरकार। 6 वर्ष हला हजी जा रत्न भंडार चाबी, पुणी करा जा डुप्लीकेट चाबी। प्रधानमंत्री आशंका करिसंती डुप्लीकेट चाबी रे रत्न भंडार रु चोरी होई कि बहुमूल्य रत्न अलंकार। राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है। रत्न भंडार चाबी हजिबा मामलार तदंत पाई गठन होता तदंत कमिशन। मोदी प्रश्न करिसंती काहेकि तदंत कमिशन का रिपोर्ट सार्वजनिक न करुना ही बीजेडी सरकार। नवीन सरकार कहारी पाप लुचाइबा को चेष्टा करुछि कि? आखिर क्यों बीजेडी सरकार, नवीन बाबू की सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर राज्य सरकार किसके पाप को बचाने की कोशिश कर रही है? रत्न भंडार भली गुरुत्वपूर्ण प्रसंग प्रधानमंत्री उठाइबा परे सारा राज्य में सृष्टि हुई तीव्र प्रतिक्रिया। एने बीजेडी सरकार को टार्गेट करिसंती जगन्नाथ प्रेमी। चाबी काहीं हजिला एवं रत्न भंडार रो स्वर्ण अलंकार सुरक्षित अच्छी कि नहीं, से बाबदरे भी मध्य गोटे बृति ओडावासी निकट में रखिले ना। ये सरकार जगन्नाथंकर संपत्ति को हरिलुट करने जो सुपरिकल्पित षड्यंत्र रचना करिसंती ओडावासी आज्ञा बुझी सारे।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, କାହିଁକି ସରକାର ଡରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାବି ହଜିବା କଥା ଆଜି ଉଠିଛି, ସେ ଚାବି ହଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଶନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ, ସେ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେତେବେଳେ ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ସିଏ ନକଲି, କହିଥିବା କଥା ନକଲି, ତାଙ୍କ ସରକାର ନକଲି, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନକଲି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାମିଲ ନାନୀ ସିଏ ବି ନକଲି, ସିଏ ହେଲେ ନକଲିଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର, ସେ ମିଛରେ କହିଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ ନକଲି ଚାବି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଏଥିପାଇଁ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ତିଆରି ଥିଲେ। ଓରିଜିନାଲ ଚାବିଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏମାନେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଣ୍ଠନ ସରିଲା ପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିଟା କେଉଁଠି ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାବି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ନାଟକ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଆରୋପ ନୁହେଁ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ଏହା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରାଜ୍ୟ କେ ଅନ୍ଦର भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।